हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक फ्री टूल दे रहा हूँ, MTK पैच। देखिए, ये इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। इसको ओपन करते हैं, यहाँ भी इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में सेटअप को यहाँ से रन कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। और जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कॉल में सेट कर दीजिएगा, जो कि जो भी नई वीडियो बनाएंगे, नए टूल लेकर आएंगे, सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अनटिक करके यहाँ फिनिश कर दीजिए। सेटअप रन हो चुका है, इसका आइकन भी बन गया, आइकन भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह का आइकन बनता है, देखिए आइकन है। MTK CPU के लिए बेस्ट है टूल। आप कैसे इसको सेटअप करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वो बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले इसको MTK पेज को रन कर लिए हैं। देखिए, यहाँ से रजिस्टर कर लीजिएगा, जैसे मेरा नाम कोलेश्वर है। यहाँ जीमेल अकाउंट रजिस्टर कीजिएगा और पासवर्ड, उसके बाद में यहाँ पासवर्ड अपना बनाइएगा, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा, ऐसे रजिस्टर कर दीजिएगा। आपके पास इंटरनेट चालू रहना चाहिए, बिना इंटरनेट का ये टूल वर्क नहीं करेगा। स्पेशल वीवो के लिए है, MTK विभो के लिए स्पेशल टूल है। यहाँ से इसको काट दीजिए। अब इसको फिर से रन करते हैं। अब जो पासवर्ड बनाए हैं, जो यूजर नाम है आपका, देखिए यहाँ लॉगिन नहीं रहेगा, दोबारा आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन हो गया, देखिए टूल भी ओपन हो गया। अब इसको कैसे यूज करना है वो बताएंगे। देखिए, बहुत सारे वीवो का मॉडल दिया हुआ है, देखिए वीवो Y3S है, वीवो Y12 है, वीवो Y12S है, देखिए Y15 है, Y15A है, देखिए Y15S है, Y17 है, Y20 यानी Y20 है, Y21 है, और है, जो कि MTK के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए Y21A है, Y30 है, देखिए Y30i भी है, Y91C भी है, MediaTek का MTK CPU। देखिए, यहाँ से पोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, आपको पोर्ट बनाएगा। उसके बाद रिसेट FRP में क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट डाटा को क्लिक करके देखिए, यह 15 मोबाइल दिया हुआ है वीवो का स्पेशल MTK के लिए। देखिए, जैसे वहाँ Y1S, देखिए यहाँ भी आ गया Y1S, CPU भी बताता है यहाँ, जैसे कि Y17, Y17 क्लिक किए, देखिए फॉर्मेट डाटा क्लिक किए, देखिए यहाँ भी आ गया 6765 है, PDF भी आ जाता है 6765, CPU है। तो ये अच्छा टूल है, वर्क करता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और यूज कीजिएगा।
वर्किंग टूल है, अच्छा वर्क करता है दोस्तों। बहुत सारे वीवो का स्पेशल वीवो MTK के लिए है वर्किंग टूल है दोस्तों। तो इस टूल को आप लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके अपना यूज कीजिए, अनलॉक कीजिए, FRP कीजिए। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर में सेट कर दीजिए नई वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।